मॉर्टल कॉम्बैट। तो वीडियो के टाइटल और थंबनेल से तो आप लोगों को पता लग ही होगा, इस वीडियो में हम द मॉर्टल कॉम्बैट मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं, जो कि एक रीबूट फिल्म है। और इस मूवी का जो ही ट्रेलर रिलीज हुआ तो उसके बाद से इस मूवी के लिए हाइप बनना शुरू हो गई थी, क्योंकि मॉर्टल कॉम्बैट अपने गेम्स की वजह से बहुत मशहूर है। पर्सनली अगर मैं आपको अपना बताऊं, इस मूवी के रिलीज होने से पहले इस मूवी का अगर मैं बात करूं, ना ही इस गेम सीरीज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यानी कि आप ये समझ रहे हैं कि मुझे इतना पता था हाँ मॉर्टल कॉम्बैट नाम की कोई एक चीज है। बाद में जब मैंने रिसर्च किया मुझे पता लगा इस नाम की कोई गेम सीरीज भी है, जिसकी आप एक बात करिए एक रीबूट मूवी भी आ रही है। पूरा रिव्यू देखने के लिए वीडियो को भी अंत तक जरूर देखिएगा। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि मॉर्टल कॉम्बैट के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, जब ये हमारी मूवी रिलीज हुई तभी मुझे पता लगा कि हाँ इस मॉर्टल कॉम्बैट नाम की कोई एक्शन मूवी रिलीज हुई है, ये भी कोई अलग फ्रेंचाइज है। और मूवी देखने से पहले हाँ मुझे कुछ 5-10% डाउट थे कि हाँ मुझे कुछ चीज़ें या कुछ रेफरेंसेज, अब आपने देखा होगा कभी कभी एमसीयू में भी कि कुछ रेफरेंसेज वो पिछली मूवीज़ के दे देते हैं या कुछ ऐसी गेम सीरीज के, तो मुझे था कुछ रेफरेंस शायद मुझे समझ ना आए। मगर मैंने मूवी देख ली तो 110% मुझे मूवी समझ आ गई। इस मूवी में कोई इतने बड़े रेफरेंसेज नहीं है। तो अगर आप भी मेरी वाली कैटेगरी में, यानी कि आप भी अगर ये सोचें कि मैं अगर मुझे इस फ्रेंचाइज के बारे में कुछ ही पता, तो हाँ आप ये वाली मूवी देख सकते हैं, आपको मूवीज पूरी समझ आएगी, इसका प्लॉट बिल्कुल सीधा साधा है। अब इस मूवी के लीडिंग कास्ट के बारे में बात करें तो इसके में से सिर्फ एक ही कास्ट को मैं जानता था, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स में से हैं। और सॉरी मगर मुझे कभी कभार इनका नाम जहन से निकल जाए, साफ भी निकल गया, आपको आप लोगों के सामने इनकी तस्वीर आ रही होगी। और ये हमें वुल्वरीन 3 में भी देखने को मिले थे और द एवेंजर्स एंडगेम में ये हमें देखने को मिले थे। और अगर इस मूवी की बात करें, मुझे सबसे अच्छा कैरेक्टर इन्हीं एक्टर का लगा है, यानी कि स्कॉर्पियन। और आगे की बात करें तो इसमें हमें जो टेस्लिन भी देखने को मिलते हैं सब जीरो के रोल में। अब अगर हम स्टोरी की बात करें, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, इसकी स्टोरी बिल्कुल सीधा साधा, यानी कि बहुत कंफ्यूजिंग या हम बात करें ना कुछ या ट्विस्टेड स्टोरी नहीं, इसकी बिल्कुल एक सीधा साधा सिंपल स्टोरी है। गोर यंग नामी एक कैरेक्टर जो कि एक एमएमए फाइटर होता है, तो जब पता चलता है वो एक स्पेशल उसने किसी कॉम्बैट के लिए तैयार होना है, वो कुछ फाइटर के साथ टीम बनाकर एक एनिमी से लड़ाई करता है। ये मैंने आपको इसका कुछ 5-10% ही बताया, मगर हाँ हमें स्टोरी यही देखने को मिलती है। अब जैसा कि मैंने पहले कहा, हमें जिसमें जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हमारे हीरो से, मैं सबसे अच्छा मुझे स्कॉर्पियो का कैरेक्टर देखने को मिलता है, जिसका अब यहाँ पे हम बात करें, हम इतना ज्यादा कैरेक्टर देखने को मिला शुरू के सीन में और हमें एंड के मेन फाइटिंग सीन में देखने को मिलता है, मगर पर्सन सबसे अच्छा मुझे वाला कैरेक्टर देखने को मिलता है। आई नो ये आप लोगों को सरप्राइजिंग लग सकता है, मगर मैं आपको इसकी वजह भी बताऊंगा। इस मेन मूवी की अगर हम बात करें तो मेन मूवी ये पूरी एक्शन फिल्म बेस है, जैसा कि हमें नाम से पता लग रहा है मॉर्टल कॉम्बैट, हमें शुरू से लेकर एंड तक इसमें एक्शन ही देखने को मिलेगा। अब मैंने इसकी पॉजिटिव चीज बताई, मैं इसकी एक नेगेटिव चीज के बारे में बात करता हूँ, वो है कैरेक्टर डेवलपमेंट। अब जो मैंने आपको वजह बताई मुझे वही कैरेक्टर इसमें क्यों पसंद है, हमें यानी कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है कोर यंग, जो हमें विलन दिखाया गया है सब जीरो, इन दोनों कैरेक्टर से मैं बात करूंगा। अगर मैं मेन बात करता हूँ इस फिल्म में मुझे कैरेक्टर डेवलपमेंट उतनी अच्छी नहीं लगी। अब जैसा कि सब जीरो नामी एक विलन है, उसको इन लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग विलन दिखाया तो है, मगर अगर मैं हम कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें, यार एक ऐसा कैरेक्टर है हाँ जिससे सब कुछ डर रहे हैं, मगर मेनली कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिहाज से इस वाली मूवी में जो काफी खामियां मुझे देखने को मिली है। अब जैसा कि मैंने कहा इसमें हमें एक्शन सीन देखने को मिले, एक्शन सीन के साथ साथ ये इसका बहुत एडवांटेज है, मगर किसी अगर आपने वाली मूवी देख ली आप भी हमारे समझोगे, यही एक्शन सीन मूवी का अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी इसमें नेगेटिव पॉइंट है, और वो क्या, वो ये कि इस मूवी में हमें बहुत ही काफी हद तक एक्शन सीन देखने को मिल जाते हैं। इन्होंने हमें चीज़ें बड़ी रश करके दिखाई हुई हैं, यानी कि अगर कोई एक एक्शन सीन स्टार्ट हुआ है वो पलक झपकते पता भी नहीं लगता खत्म हो जाता है, मतलब यानी इन लोगों ने हमें एक्शन सीन ऐसा दिखाया कि बस किसी तरह से जल्दी इस चीज़ को निपटा दे, जल्दी से जल्दी ये सीन खत्म हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर जो हमें मेन फाइटिंग सीन या एंडिंग सीन में देखने को मिला है उसमें अगर आप लोग टोटल टाइम कैलकुलेट करें हमें वो कितने मिनट का एक्शन सीन दिखाया गया। अगेन मैं यहाँ पर एक्शन सीन की बात नहीं कर रहा, बहुत परफेक्ट एक्शन सीन है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें बहुत ही परफेक्ट सिनेमेटोग्राफी और एक्शन सीन की समय भी बात करता हूँ, हमें एक्शन सीन परफेक्ट देखने को मिले हैं, मगर यहाँ पर इन्होंने हमें बहुत जल्दी चीज़ें करके दिखाई हुई हैं, यानी कि आप ये समझ रहे कि हमें पता ही नहीं लगता कि कैसे कैसे चीज़ें जो है आगे बढ़ रही हैं। मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से अगर थोड़ी सी पेस स्लो होती इस मूवी की तो अच्छा लगता। और जैसा कि मैंने स्टोरी के बारे में बात की तो इसकी स्टोरी मिड में आकर बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाती है कि हाँ एक टीम दूसरी टीम से लड़ने के लिए तैयार हो रही है, तो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल स्टोरी हो जाती है कि हमें पता लग जाता है हाँ हमें एंड में यही देखने को मिलेगा और 100% वही देखने को मिलता है। अब इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, अगर आप कह रहे हैं बहुत स्टोरी प्रिडिक्टेबल हो रही है, इसमें कोई अगर मैं बोलूँगी नेगेटिव चीज़ नहीं है, अगर हम उस चीज़ को कहते हैं ना टर्न्स एंड ट्विस्ट बहुत ज़्यादा हमें नहीं देखने को मिले, बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल स्टोरी हो जाती है इसकी मूवी की। या ये भी चीज़ हो सकती है मैंने नाम की वजह से इस मूवी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा ली थी। अब अगर ओवरऑल रिव्यू की मैं बात करूँ तो देखिए अगर आप लोग किसी एक्शन मूवी देखना चाहते हैं, अगर आप लोगों को एक्शन सीन पसंद है एक्शन मूवी देखना चाहते हैं तो ये वाली मूवी आप लोगों के लिए परफेक्ट हो सकती है। मगर आप लोग कोई ऐसी मूवी देखी जिसमें हमें स्टोरी भी कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी दिखाई गई हो, मैं वैसे मूवी को इतनी रेटिंग देता नहीं, अगर मुझे 10 में से देनी हो तो मैं इसको 7 की रेटिंग दूंगा। मतलब फाइनली ये वाली मूवी अच्छी थी, मगर थोड़ा सा और ये बेहतर कर सकते थे इस मूवी को। और अब रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि इस मूवी का पार्ट 2 भी आएगा, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी चीज है कि हमें जो इसकी स्टोरी दिखाई गई है उसको ही वो लोग आगे रिज्यूम करेंगे। तो सही था इस वीडियो में, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपने मॉर्टल कॉम्बैट देख लिया मुझे कमेंट में जरूर बताएगा कि आपका फेवरेट सीन कौन सा है, एंडिंग के बारे में जरूर बताएगा आप लोगों को इस मूवी की एंडिंग कैसे लगी। चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।